जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस आइस रोबोट सुपर ट्रेन। सुपर ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन से उतरने वाले यात्री ट्रेन के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोल रहे थे। तभी एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ सफर करके आई थी। वो अपने पिता से कहती है, पापा मनीष अंकल की सुपर ट्रेन बहुत अच्छी है, पापा आप भी ऐसी ट्रेन बनाओ ना। दरअसल उस सुपर ट्रेन को मनीष ने बनाया था और सुपर ट्रेन कामयाब भी हो गई, जिस वजह से मनीष की बहुत तारीफ हो रही थी। अपनी बेटी के मुंह से मनीष की तारीफ सुनकर मदन नाम का आदमी मन ही मन गुस्सा करने लगता है। अरे मन तो कर रहा है कि इस मनीष की सुपर ट्रेन को जला कर खाक कर दूं, पर क्या करूं, मैं ही फंस जाऊंगा और ज्यादा सिंपैथी उस मनीष को मिलेगी। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसमें मेरा नाम ही ना आए। दरअसल मदन और मनीष दोनों दोस्त थे, पर मनीष की कामयाबी से मदन जलने लगता है। मदन गुस्से में था, पर तब सबके सामने वो उसे दिखा नहीं पा रहा था। मदन अपने ही मन में परेशान हो जाता है। तब वो कुछ दिन की छुट्टियां लेकर अपने गांव आता है। उस दिन शाम का वक्त था। गांव का महेश नाम का लड़का अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी अचानक से मौसम बदल जाता है। आसमान से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा महेश के सामने गिर पड़ता है। बाप रे, इतना बड़ा बर्फ का गोला, इसे मैं अपने खेत के कुएं में डाल देता हूँ, बर्फ पिघल जाएगा तो मेरे कुएं में पानी आ जाएगा। दरअसल महेश का खेत का कुआं सूखा पड़ा हुआ था। महेश एक जेसीबी लेकर आता है और उसकी मदद से उस बर्फ के गोले को कुएं में डाल देता है। महेश बर्फ के पिघलने का इंतजार करता है। अरे बिना धूप के ये बर्फ भी थोड़ी ना पिघलने वाली है, चलो मैं घर चला जाता हूँ, कल देखता हूँ आकर कि बर्फ पिघला है या नहीं और कुआं कितने पानी से भरा हुआ है। ऐसा सोचकर महेश घर चला जाता है। दूसरे दिन वो अपने घर के काम खत्म करके खेत आता है। जैसे ही सुबह होती है, इधर कुएं में हलचल शुरू हो जाती है। आखिर क्या बात है ये देखने के लिए महेश कुएं के अंदर झांक कर देखता है, तो कुएं का नजारा देखकर वो चकित हो जाता है। अरे बाप रे, ये भयानक चीज क्या है, बर्फ का गोला राक्षस में बदल गया। उसे देखकर महेश भागो भागो चिल्लाते हुए दौड़ने लगता है। कुएं से आइस शैतान बाहर आता है। यह शैतान उसी बर्फ के गोले से बना हुआ था। आइस शैतान महेश का पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाता है। शैतान अपनी शक्ति से पेड़ों को घरों को फ्रीज करने लगता है। लोग तो उसे देखकर डर के मारे भाग रहे थे। आइस शैतान लोगों को भी मारने लगता है, जिस वजह से गांव में हड़बड़ मच जाती है। घंटों की भागा दौड़ी में सूरज सर के ऊपर आता है। तब सूरज की गर्मी से आइस शैतान डर के मारे वापस कुएं के अंदर चला जाता है। इस आइस शैतान को देखकर मदन सोचता है, इस शैतान से मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। तब मदन शैतान की कमजोरी का फायदा उठाने का सोचता है। मदन शाम के वक्त कुएं के पास आकर उस शैतान को आवाज देने लगता है। तब वो शैतान कुएं से बाहर आता है। मदन तब कहता है, ऐसी गर्मी से डर के छुप कर बैठे हो तो कैसा चलेगा, सबको अगर तुम्हारी ये कमजोरी पता चल गई तो वो तुमसे डरना छोड़ देंगे और तुम्हें मारने का प्लान बनाएंगे। वैसे तुम जब चाहे तब सब पर हमला कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम, और तुम इंसान मुझ जैसे शैतान के किस काम में आ सकते हो। तब मदन उस शैतान के शरीर पर एक ऐसा डिवाइस लगाता है जिससे उसे गर्मी का आभास ही नहीं होता और उसका आइस पिघलना भी बंद हो जाता है। आइस शैतान मदन का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मदन उस शैतान को मनीष की सुपर ट्रेन को खत्म करने का काम देता है। वैसे ही शैतान काम पर लग जाता है। आइस शैतान सुपर ट्रेन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो शहर में दाखिल हो जाता है, उसे देखकर लोग चकित हो जाते हैं। आइस शैतान तेजी से पटरी से भागते हुए सुपर ट्रेन के सामने आकर खड़ा होता है। सुपर ट्रेन भी तेजी से चल रही थी। सब लोगों को पता चलता है कि शैतान सुपर ट्रेन को हानि पहुंचाएगा, जिस वजह से लोग भी चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे, हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, हम सब मारे जाएंगे। अरे कोई तो रोको उस आइस शैतान को, कोई पुलिस को फोन करो, हमारी जान खतरे में है। सुपर ट्रेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। आइस शैतान सुपर ट्रेन को कुछ कर पाता कि तभी वहां पुलिस फोर्स आती है। वो शैतान पर गोलियां बरसाते हैं, उस पर बमबारी करते हैं, पर उसका उस शैतान पर कोई असर नहीं होता।
तब शैतान ही सबको फ्रीज कर देता है। अब शैतान सुपर ट्रेन के काफी करीब था। वो उस पर हमला करता कि तभी बीच में जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट आता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आई शैतान जेसीबी रोबोट को भी फ्रीज करने की कोशिश करता है, पर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट उसके हर वार से बचते रहता है। अब जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट आखिरी वार करता है और शैतान पर लगा वो डिवाइस निकाल देता है, जिस वजह से आई शैतान कमजोर होने लगता है। कड़ी धूप में वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट उस शैतान को देखते देखते मार गिरा देता है। इस तरह से सुपर ट्रेन का एक्सीडेंट होने से जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बचा लेता है। पर आखिर आइस शैतान को किसने भेजा था? जब उसकी छानबीन की जाती है तो मदन का नाम सामने आता है, जिसके लिए उसे सजा भी मिलती है। मैंगो रोबोट वर्सेस लैम्बोर्गिनी कार। सुरेश अपनी लैम्बोर्गिनी कार लेकर गगन से मिलने उसके गांव आता है। लैम्बोर्गिनी कार से वो गांव घूमते घूमते जंगल की तरफ जाने लगता है, पर गांव में कार चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब गगन कहता है, अरे यार, तेरी कार तो है लाजवाब, पर इस कार में बैठने के बाद भी वो मजा नहीं आ रहा। अरे दोस्त, कैसे आएगा? अपने गांव के रास्ते तो देख, मुझे तो अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है कि क्यों तुमसे मिलने में यहाँ आ गया। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी कार किसी चीज से टकरा कर रुक जाती है। गगन और सुरेश कार से बाहर आते हैं। जमीन के अंदर से कोई तो चीज बाहर निकली थी। अरे अब ये क्या है? ऐसे बीच रास्ते में ये क्या चीज जमीन के अंदर से बाहर निकल आई? अरे तेरा गांव है भाई, इसमें तो कुछ भी हो सकता है और तुझे ही पता होगा वो क्या होगा। पर इसकी वजह से मेरी कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। वो दोनों देखते ही रहते हैं कि तभी वो चीज अपने आप गड्ढे से ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे वो चीज गड्ढे से बाहर निकल आती है। तब दोनों उसे देख कर दंग हो जाते हैं। अरे ये तो एक मैंगो रोबोट है। अरे सुरेश, अब मैं इसकी मदद से गांव के रास्ते ठीक करूंगा। गांव में जितना भी काम होगा ना, मैं सब इसी मैंगो रोबोट से करूंगा। गगन और सुरेश कार से घर की तरफ जाते हैं तो उनके पीछे मैंगो रोबोट भी घर पहुंच जाता है। इधर जंगल में जब मैंगो रोबोट गड्ढे से बाहर आता है, तब वहां से एक बुरी आत्मा भी बाहर निकल चुकी थी। मैंगो रोबोट के जाते ही वो आत्मा कहती है, मैं मुक्त हो गया। बेवकूफ इंसानों, ये मैंगो रोबोट गांव की मदद नहीं करेगा, बल्कि तबाही मचाएगा, तबाही। गगन उस मैंगो रोबोट से गांव के रास्ते बनाने का काम करता है। रात होने पर मैंगो रोबोट बाहर ही रुकता है। तभी वहां वो ही आत्मा आ जाती है और वो उस मैंगो रोबोट में घुस जाती है। फिर क्या, जो रोबोट दिन में गांव के रास्ते बनाता था, उन्हें ही वो रात में बिगाड़ देता है और वो वापस घर आ जाता है। पर ये सब गगन एक रात देख लेता है। उसे इस बात से बहुत डर लगने लगता है और वो फोन पर सुरेश को सब बता देता है। दूसरे दिन सुरेश लैम्बोर्गिनी कार लेकर गगन के पास आता है। सुरेश अपने एक इंजीनियर दोस्त किशोर को भी साथ लेकर आया था। अरे गगन, डर मत, अब मैं आ गया हूं ना, इस मैंगो रोबोट को तो अब किशोर देख लेगा। किशोर रोबोट को अच्छे से देखता है, तब उसे उस रोबोट में कोई खराबी नहीं दिखाई देती, जिस वजह से वो भी चकित हो जाता है और कहता है, देखो दोस्तों, ये रोबोट तो बिल्कुल ठीक ठाक है। आज रात ही इसे डीएक्टिवेट करके रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रात में मैंगो रोबोट को डीएक्टिवेट करके उस पर तीनों भी नजर रखते हैं। आधी रात में वो देखते हैं कि एक धुंधला सा साया आता है, जिसे वो साफ साफ नहीं देख पाते। उस दिन वो आत्मा कार को देखकर कहता है, जीते जी कभी कार चलाने का मौका नहीं मिला, चलो आज रात इस कार को चलाकर ही देख लेता हूं। तब वो आत्मा लैम्बोर्गिनी कार के अंदर घुस जाती है और कार तेजी से चलने लगती है। ये सब तीनों देखकर चकित हो जाते हैं। दोस्तों, जो मैंने देखा, क्या वो तुम सबने भी देखा? एक साया आया और कार को लेकर चला भी गया। हाँ यार, लगता है कल भी ये साया रोबोट में घुस गया होगा। लेकिन यार, मेरी कार तो बड़ी महंगी है, मेरी कार को कुछ हो गया तो? ये सोचकर सुरेश तो अपना सर ही पकड़ लेता है। बुरी आत्मा कार तेजी से चलाते हुए आगे जाने लगती है। इसमें गांव वालों का काफी नुकसान हो जाता है। लैम्बोर्गिनी कार को गांव का एक आदमी देख लेता है और दूसरे दिन ये बात सारे गांव में पता चल जाती है। गांव वाले गगन के घर आते हैं।
तब एक आदमी कहता है, अरे गगन, कल रात तुम्हारे दोस्त ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया यार। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? बाहर निकालो उसे। देखो गांव वालों, इसमें मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सब एक आत्मा कर रहा है। ये बात सुनकर गांव वाले उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां अचानक वो कार आ जाती है और वो फिर से गांव वालों पर हमला करने जाती है। तब किशोर अपना मैंगो रोबोट एक्टिवेट कर लेता है और उस कार को रोकने के लिए कहता है। कार और रोबोट एक दूसरे को मारने लगते हैं कि तभी अचानक वहां एक साधु आते हैं। वो कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। तब वो आत्मा कार से बाहर आती है और कहती है, मुझे छोड़ दे साधु, क्यों मुझे पकड़ रखा है? मुझे आजाद रहना पसंद है, मुझे इस कैद से बाहर निकालो, देखो नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम जैसे बेकाबू आत्मा को कैद करना यही मेरा काम है, ताकि तू लोगों को परेशान ना कर पाए। वो साधु आत्मा को एक बोतल में बंद करके वहां से चला जाता है। लोगों की भी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और तीनों दोस्त बला चली जाने पर खुश हो जाते हैं। अब गगन मैंगो रोबोट की मदद से गांव की मदद और उसकी तरक्की करने में लग जाते हैं।